गाइस गुड आफ्टरनून, आई होप आप लोग सही होंगे। तो आज ब्लॉग बनाता हूँ, कल तो कोई ब्लॉग बनाया नहीं, कल परसों भी नहीं बनाया क्योंकि दो दिन से कभी क्वारंटीन हूँ, अभी पता नहीं कब तक क्वारंटीन ख़त्म होगा, तो इसलिए बनाता हूँ। कल एक भाई ने पूछा था कि आप अपने शिप का रूम दिखा दीजिए, तो अभी अपना रूम तो दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी हम लोग क्रू रूम में तो है नहीं, अभी तो हम लोग को गेस्ट रूम में शिफ्ट किया है। तो फिलहाल तो मैं आपको गेस्ट रूम दिखाता हूँ कैसा होता है यहाँ का गेस्ट रूम। इस रूम में पिछले साल भी हम लोग पूरा कॉन्ट्रैक्ट थे क्योंकि जब मैं साइन ऑन हुआ उसके बाद तो कोविड स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद सब लोग को सिंगल सिंगल गेस्ट रूम में ही रुका दिए थे, तो हम लोग सब लोग एक ही रूम में मतलब अलग अलग रूम में हो गए थे इसी। तो और जैसे इस बार इस साइन ऑन हुआ तो पहले तो एक मंथ जर्मनी में वहाँ पर क्वारंटीन था, उसके बाद फिर शिप पे आया, फिर एक नए काम करने के बाद फिर हम लोग 15 डेज क्वारंटीन हुई, फिर अभी दो दिन तीन दिन से एक एक्चुअली फ्रेंड था उसको कुछ सिम्टम्स हुआ, उसको कोविड हो गया तो उसको बाहर भेजा, तो हम लोग को फिर क्वारंटीन कर दिया कुछ लोगों को जो जो उसके संपर्क में आए थे। तो अभी तो फिलहाल इसी रूम में है, दिखाता हूँ फिलहाल तो ये आप देख लेंगे इसकी बालकनी है क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। तो ये हमारी बालकनी है, दो चेयर लगा हुआ है, बीच में स्टूल रखा हुआ है, आराम से शाम को आइए खाना खाइए कोई प्रॉब्लम नहीं, और सी व्यू का एंजॉय लीजिए। फिलहाल तो अभी धूप है और कोल्ड भी थोड़ा नहीं है, बट शाम को कोल्ड बहुत होता है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं अंदर। ये हमारा बेड है, ये देखिए यहाँ पे स्विच लगे हुआ है, एक स्विच यहाँ पे है और एक स्विच वहाँ पे है, आप वहाँ से ऑन करिए यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। बेड साइड लैंप बोर्ड साइड ऊपर कवर रखा हुआ है कोई सामान वामान रखने के लिए, और ये बगल में कवर बना हुआ है, और इसके अंदर ये आपको लॉकर बना हुआ है पैसा वैसा रखने के लिए, फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि गरीब आदमी में पैसा नहीं होता। और ये देखिए सामने टीवी लगी हुई है, मैं देख रहा था मूवी अभी देखूंगा फिलहाल, और लैपटॉप रखा हुआ मेरा क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा था शाम को, कंप्लीट नहीं है क्योंकि हम लोग की आर्ट्स यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हो रही है मेरे लैपटॉप में और मोबाइल में भी। बाकी ये देखिए बीत नापने के लिए और आपका MP ये, और ये नापना पड़ता हम लोग को। बाकी इधर कवर्ड बना हुआ है सारे, ये देखिए ये हम लोग का मिनी बार है छोटा सा, फिलहाल तो कुछ खा लिए क्योंकि कुछ अभी है नहीं, सब मैं खा लिया। ये सोफ़ा है, दो पेंटिंग बनी हुई है सोफ़ा को, आप इसको बाहर निकाल के आपको बेड बना सकते हैं इसको, तो इसको सोफ़ा कम बेड बोलते हैं हम लोग। और ये मिरर है टिकटॉक का, टिकटॉक तो इंडिया में बैन है इसलिए भी बना नहीं रहा हूँ मैं, वरना मैं सुपर स्टार था टिकटॉक का। और बस फिलहाल तो इतना ही है और तो कुछ है नहीं बड़ा इस रूम में, एक कवर्ड इधर भी है, इसमें आपको हैंगर्स वगैरह सब रखे हुए हैं आप पा सकते हैं, फिलहाल तो मैं बाहर अपना कपड़ा टांगा हुआ हूँ। बस इतना ही बड़ा है रूम और तो कुछ है नहीं। चलो दिखाता हूँ आपको बाथरूम अपना। तो ये हमारा बाथरूम है, ये इसके अंदर आप शावर के लिए बना हुआ है, इसके अंदर शावर का है, और ये है लबरूशी, ये है लोग का साइड मिरर, और बाकी दंत कांति बाबा रामदेव का यूज़ कर रहे हैं आजकल क्योंकि इतना बवाल चल रहा है तो क्या करें, देसी ही यूज़ करना पड़ता है। और बस इतना ही छोटा सा हम लोग का रूम है, बाकी तो अभी हम लोग क्रू केबिन जाएंगे, क्रू केबिन तो इससे भी छोटा है, दिखाऊंगा आपको मैं बाद में। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, रूम दिखा दिया मैंने आपको और जहाँ फिलहाल तो मैं यहाँ पे हूँ, और दूसरा रूम दिखा दूंगा बाद में जब मैं जाऊँगा नीचे, फिलहाल तो अभी क्वारंटीन हो तो शिप का तो भी कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, जब क्वारंटीन ख़त्म होगा तो आपको दिखाऊँगा शिप का। और एक भाई पूछ रहा था कि शिप पे अप्लाई कैसे करते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा प्रॉपर बताऊँगा कैसे अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसीजर है और क्वालिफिकेशन क्या है, ईजी है कुछ ज़्यादा है नहीं। फिलहाल तो आई थिंक इंडिया में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो तो बंद चल रहा होगा, तो मैं आपको बता दूंगा ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, और इंडिया वाला बता दूंगा कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप, कैसे कहाँ पे मतलब इसका ऑफिस है, तो मैं पूरा नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूरा प्रॉपर बता दूंगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।